दोस्तों, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फिर वही हरकत अपनाई जिसके लिए वो जानी जाती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को इस मैच में चीटिंग करते हुए पाया गया और इससे फिर वही पुरानी यादें ताजा हो गई जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जब ऑस्ट्रेलिया को शर्मसार होना पड़ा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बॉल टैंपरिंग, ये मामला है साल 2018 का, जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच केपटाउन में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। 1-1 से सीरीज में बराबरी के बाद जब केपटाउन में तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन फील्ड अंपायरों ने कैमरन बैनक्रॉफ्ट को गेंद से छेड़छाड़ करते देखा तो उनसे बात की। बैनक्रॉफ्ट की यह हरकत कैमरे में भी कैद हो गई और शाम को संवाददाताओं से बात करते हुए कप्तान स्टीव स्मिथ ने बॉल टैंपरिंग की बात स्वीकार कर ली और अंततः कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वार्नर को अपनी कप्तानी भी गंवानी पड़ी थी। बेकाबू वार्नर, दोनों देशों के बीच इसी सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान डेविड वार्नर और क्विंटन डीकॉक के बीच ड्रेसिंग रूम में जमकर कहासुनी हुई। इस घटना का वीडियो भी जारी किया गया जिसे देखकर ये लग रहा था कि अगर दोनों को अलग नहीं किया जाता तो उनके बीच मारपीट की नौबत आ जाती। इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट के दौरान वार्नर को एक फैन से भिड़ते हुए देखा गया। वार्नर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तभी एक दर्शक ने उन पर कुछ टिप्पणी की और वार्नर नाराज हो गए और दोनों के बीच बहस बढ़ गई। बाद में सुरक्षा गार्ड ने दोनों को अलग किया। स्मिथ बनाम कोहली, मार्च 2017 में बेंगलुरु टेस्ट के दौरान जब स्टीव स्मिथ को फील्ड अंपायरों ने आउट किया था तो उन्होंने DRS रेफरल लेने के लिए ड्रेसिंग रूम की ओर से मदद के लिए इशारा किया था। गौरतलब है कि DRS रेफरल में मैदान में मौजूद खिलाड़ियों को ही फैसला लेना होता है और ड्रेसिंग रूम से इस मामले में मदद लेने की इजाजत नहीं होती। स्मिथ को आउट दिए जाने के बाद उन्होंने पवेलियन की ओर देखा था जिसके बाद विराट समेत टीम इंडिया से उनकी बहस भी हो गई थी। द्रविड़ बनाम स्लेटर, 2001 के मुंबई टेस्ट को ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी बल्लेबाज माइकल स्लेटर ने विवादित बना दिया था। उन्होंने मैच अंपायर एस वेंकट राघवन से बहस की और राहुल द्रविड़ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैच के दौरान द्रविड़ ने पुल शॉट खेला था जिसे स्लेटर ने डाइव लगाकर लपक लिया था। द्रविड़ और अंपायर को स्लेटर के इस कैच को जमीन से छूने का अनुमान था। निर्णय टीवी अंपायर को करने को कहा गया। उन्होंने द्रविड़ को नॉट आउट करार दिया। इसके बाद ही स्लेटर भड़क गए और इन दोनों पर अपना गुस्सा निकाला। हालांकि ये मैच भारत हार गया था। मर्व ह्यूज बनाम मियां दाद, स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया में आम मानी जाती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज इसके लिए खासे बदनाम थे। उनकी आक्रामक गेंदबाजी को स्लेजिंग करने का उनका तरीका और भी पैना बना देता था। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने स्लेजिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ह्यूज खुद एक मामले को याद करते हैं जब वो पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियां दाद को गेंद डाल रहे थे। मियां दाद ने उन्हें कहा कि तुम क्रिकेट खेलने के लिए बहुत मोटे हो और तुम्हें तो बस चलाना चाहिए। मैच में ह्यूज ने मियां दाद को आउट किया और जब वो वापस लौट रहे थे तो ह्यूज ने कमेंट किया, टिकट प्लीज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और स्पिनर हरभजन सिंह की भी मैदान पर अच्छी खासी नोकझोंक हो चुकी है। हासिम अमला को बोला गया टेररिस्ट। ऑस्ट्रेलिया के फैंस के अलावा कमेंटेटर ने भी कई बार हदें पार की हैं। दरअसल डीन जोन्स ने भी 7 अगस्त 2006 को श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच कोलंबो में टेस्ट मैच खेला जा रहा था। ये मैच बेहद रोमांचक था। 1-1 रन और विकेट के लिए कड़ा संघर्ष हो रहा था तभी लंबी दाढ़ी रखने वाले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हासिम अमला ने शानदार कैच लपक लिया। तभी जोन्स ने कमेंट्री बॉक्स में बैठे जोर से चिल्लाया, टेररिस्ट ने कैच पकड़ लिया। इसके बाद बवाल मच गया। डीन जोन्स के इस कमेंट पर क्रिकेट जगत में काफी आलोचना हुई थी।